DIY के लिए हम एक्सेसरी होल्डर्स बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए किसी भी साइज की फोटो फ्रेम, आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेलोफीन टेप, डिफरेंट टाइप के गिफ्ट रैपिंग पेपर, स्टील हुक्स और ड्रिलिंग मशीन। एक्सेसरी होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले एक फोटो फ्रेम लें और उसे टेबल पे उल्टा प्लेस करें। अब गिफ्ट रैपिंग पेपर को फोटो फ्रेम पे प्लेस करें। फोटो फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग गिफ्ट रैपिंग पेपर के चारों कॉर्नर्स पेन से मार्क कर लें। एक्स्ट्रा पेपर को मेजरिंग स्केल की हेल्प से नीटली कट कर दें। अब सेलोफीन टेप से गिफ्ट रैपिंग पेपर को फ्रेम के बैक एजेस पे इस तरह स्टिक करें। फोटो फ्रेम को टर्न करें और फ्रेम की अपर एज पे मेजरिंग स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स बना लें। इन मार्क्स पे हम ड्रिलिंग मशीन से होल्स करके स्टील हुक्स फिट करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट, ड्रिल करने से पहले आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने ताकि ड्रिल करते टाइम डस्ट आपकी आईज में ना जाए। अब ड्रिलिंग मशीन से मार्क्स पे किए पॉइंट्स पे इस तरह ड्रिल करें। ड्रिलिंग मशीन यूज करने से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले और इसे बच्चों के आसपास ना यूज करें। ड्रिल करने के बाद फोटो फ्रेम कुछ ऐसे दिखेगी। अब स्टील हुक्स ले और फोटो फ्रेम में बनाए हुए होल्स में फिट करें। और अब हमारा एक्सेसरी होल्डर तैयार है। एक्सेसरी होल्डर में आप चेन्स, नेकलेसेस और इयररिंग्स हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट पैटर्न के एक्सेसरी होल्डर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैंगल होल्डर। इस एक्सेसरी होल्डर में हमने फ्रेम के एजेस पे दो स्टील हुक्स लगाकर एक पेंटेड वुडन स्टिक ऐड की है। Isn't it lovely?